प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड। इसमें अलग अलग पार्ट दिए हैं, ए बी सी डी। तो फर्स्ट पार्ट ए ले रहे हैं हम। ए में भी दो क्वेश्चन दिए हैं हमको, ए पार्ट में भी दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, है ना। तो वो सिंपल है, देखिए फर्स्ट है ए का, फर्स्ट ले रहे हैं हम, है ना, आंसर। तो फर्स्ट में क्या कहा है, हाफ ऑफ 24 लेना है। क्या लेना है आपको, हाफ ऑफ 24, है ना। तो ऑफ का मतलब होता है बच्चों हाफ मल्टीप्लाई 24, और ये 24 बाय 1 कर सकते हैं। अब इसको दो तरीके से, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे का, या अगर आपका यहाँ पर कोई भी जो फ्रैक्शन है उसका इधर ऊपर नीचे यानी सेम फ्रैक्शन हो या डिफरेंट हो, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमेटर अगर मल्टीप्लाई में हो और कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, यानी भाग जा रहा हो इनमें तो भाग दे दीजिए। दो एकम दो, और ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी 2 12 या 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 12 × 1 और नीचे 1 × 1, या 1 × 12 हुआ ऊपर और नीचे 1 × 1, मीन्स उत्तर आ गया आपका 12 बाय 1, या आप 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, हाफ ऑफ 24 क्या हो गया, 12। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ लेंगे हम हाफ ऑफ कितना दिया है, 46। तो देखिए हाफ ऐसा ही रहा बच्चों, और ये मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और 46 बाय 1 कर देंगे। अगर कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर देते, तो देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा, यानी आपको मिला बच्चों यहाँ पर 1 × 23 / 1 × 1। तो ऊपर हो गया 23, नीचे 1 है, तो 1 चाहे तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे 23 में तो 1 ही मिलेगा। तो आपका फर्स्ट का आंसर हुआ 12 और सेकेंड का आंसर हो गया 23। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें भी दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/3 of 18, फिर सेकेंड में लेंगे 2/3 of 27। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3 × मतलब आपको क्रॉस में चेंज कर दिया हमने, तो 18 हो गया। अब इसके नीचे 1 कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में 1 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर में। तो यहाँ भी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया, पी बाई क्यू के रूप में, ए बाई बी के रूप में। या तो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कर दो, तो 3 1 ज़ा 3 और ये 3 6 ज़ा 18। तो आपको ऊपर दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 6, नीचे 1 × 1, तो ऊपर हो गया 12 और नीचे हो गया 1। तो 12 में अगर 1 से डिवाइड भी करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 12। तो आपका सेकेंड का आंसर क्या आ गया बच्चों, 12। फर्स्ट का यानी बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 12 आ गया, यानी 2/3 of 18 कितना आ गया, 12। सेकेंड पोर्शन ले रहे हैं इसका, क्या ले रहे हैं, 2/3 of कितना ले रहे हैं, 27। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 of को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और ये 27 को 27 बाय 1 लिख दीजिए। अब देखिए कैंसिल हो रहा है 3 से 27, तो 3 1 या 3 1 आर 3, और यहाँ 3 9 आर 27, यानी 3 9 27। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स का, तो 2 × 9 होगा, नीचे 1 × और ये 18 बाय 1, मीन्स आंसर आ गया आपका 18। सिमिलरली नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। सी में फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, क्या लेंगे, 3/4 of 16, और इसको सॉल्व किया तो 3/4 of को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 16 को आप 16 बाय 1 लिख दीजिए। अब क्या 4 से कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है 4 1s are 4 और 4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16,
है ना, फोर थ्री ज़ा, यानी यहाँ पर क्या कर देंगे हम, थ्री मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा, नीचे वन मल्टीप्लाई वन, तो ये 12/1 मीन्स आंसर आ गया आपका 12। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 12 आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट ले रहे हैं इसका, सेकंड में क्या लेंगे, थ्री फोर्थ आप क्या लेंगे, 36। तो यहाँ हमने लिखा थ्री फोर्थ मल्टीप्लाई 36 और इसके नीचे वन कर दीजिए आप। अब फोर से कैंसिल हो रहा है देखिए, है ना, फोर वन सार फोर और फोर नाइन, है ना, चार नम 36 होता है ना, फोर नाइन सार 36 और ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 3 ऊपर लिख देंगे बच्चों, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया ऊपर मल्टीप्लाई किया 27/1 मीन्स आपका आंसर आ गया 27। नेक्स्ट इसका डी वाला पार्ट जो लास्ट है, इसका लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है देखिए, लास्ट का फर्स्ट ले रहे हैं, 4/5 ऑफ 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाई 20 और 20/1 कर देंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना, कैंसिल हो रहा देखिए, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, तो ऊपर हो गया 4 मल्टीप्लाई 4, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो गया बच्चों, 16/1 मीन्स आपका आंसर आ गया 16, है ना। इसका सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, 4/5 ऑफ कितने का, 35, है ना, 35 का 4/5 पार्ट निकालना है, तो 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ये 35/1 कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, है ना, और 5 7 ज़ा, तो यहाँ पर हो गया 4 मल्टीप्लाई 7, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 और ये हो गया 28/1 मीन्स आपका आंसर जो है वो 28 आ रहा है। तो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कम, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 से है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पहले तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाई इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो किसी भी संख्या को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ तो आपका क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होता है और यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होता है, तो इसको सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर वही रहेगा बच्चों, 5 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 होगा और +1 होगा, है ना, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 5 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 +1 यानी 26/5 हो गया बच्चों, और ये 3 को हम भी नीचे 1 करके फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस 3 का न्यूमरेटर का ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 26 होगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई 5, है ना, तो 3 का 26 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 का 8, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 78/5। अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 78 को आप 5 से डिवाइड करिए, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा, 2, 28 हो गया, है ना, तो 5 से दिया था 5 5 ज़ा, यानी 5 5 25 और यहाँ बचा 3, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया था, जो रिमाइंडर है वो यहाँ ऊपर ले जाओ और जिससे भाग दे रहे वो नीचे रख दो आप, तो ये जो फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई आपकी, तो इसका जो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, तो वो आंसर जो है वो हो गया 15 3/5, ये आपका रिक्वायर्ड
आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यानी पहले तो इसको आपने सॉल्व करा, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न में चेंज करा, फिर इसको सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो 78/5 आया है ना, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करके फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, यानी सारे क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस अपनाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ये 5 तो एज इट इज रखिए आप, मल्टीप्लाई देखिए इसको सॉल्व करना, तो यहाँ मल्टीप्लाई और इधर प्लस, तो क्या करेंगे देखिए 6 × 4 + 3/4, तो यहाँ से हो गया ये 5 तो ऐसा ही रहा बच्चों, है ना, ये 6 × 4 = 24 × 3 = 27/4 हो गया बच्चों। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 5 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, तो ये आ जाएगा ये 7 × 5 = 35 और 5 × 2 = 10 × 3 = 13, यानी 135/4 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, किसको 135 में किसके डिवाइड करेंगे 4 से, जो 4 × 3 = 12 यानी 4 × 3 = 12, 1 बचा ऊपर से 5 लिया हमने, तो यहाँ पर फिर से दिया तो 4 × 3 = 12, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करा हमने तो हम इसको क्या लिख देंगे, रिमाइंडर जो ये है ऊपर जाएगा और ये जिससे डिवाइड करा यानी 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो इस फ्रैक्शन का जो आंसर है हमारा वो आ गया है बच्चों 33 × 1/4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका सी वाला पार्ट, ये 7 देखिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस होता है, तो ये 7 ऐसा ही ये हो जाएगा 4 × 2 + 1/4, तो 7 × 4 = 8 × 1 = 9/4, और यहाँ 7/1 कर देंगे, और 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, 9 × 7 जाए या 7 × 9 = 63, केसी को भी मल्टीप्लाई करें 63 बाय नीचे 4 × 4, 63 में 4 से डिवाइड करिए आप, है ना, तो कितनी बार जाएगा बच्चों 4 × 4 = 4, 23 बचा, है ना, और ये 5 टाइम गया तो यहाँ 3 बचा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, रिमाइंडर कहाँ चला जाता है ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, तो यहाँ आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों 15 × 3/4, तो आप 15 × 3/4 आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। ये इसी का लास्ट वाला देखिए आप, देखिए इसका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से 4 × यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये ऐड होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 6 + 1/3, तो 4 × ये हो गया 6 × 3 = 18 + 1 = 19, है ना, तो 19/3 और इसको 4/1 कर दिया, अब ये 4 और 19 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा बच्चों, 19 × 76 और नीचे 3 हो गया। अब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो यहाँ पे, तो क्या करा 3 से किसको डिवाइड करेंगे बच्चों 76 को, तो 3 × 2 = 6, 1 बचा ऊपर से 6 × 3 = 15, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 25 और ये जो है डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, मतलब ये रिमाइंडर ऊपर जाएगा बच्चों और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा इसका, यानी जिससे भाग दे रहे हो वो नीचे लिख देना है, तो आपका जो आंसर है ये 25 एंड 1/2 कितना हो जाएगा
25th एंड 1/3 हो जाएगा सॉरी, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इसका देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों ई वाला पार्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इधर ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 × 3 प्लस 1/4 × 6, तो ये कितना हो गया 4 से 3 को यानी 12 + 1 यानी 13/4 और मल्टीप्लाई में 6 तो 6/1 कर देंगे, और यहाँ इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 13 का 6 टाइम टेबल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 13 का, यानी देखो यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, पहले डायरेक्ट कैंसिल कर देते फिर टेबल बोलते हैं, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, अब आसान हो गया और इजी हो गया हमारे लिए, तो क्या कर देंगे 13 × 3 = 6 यानी यहाँ हो जाएगा 13 × 3 और यहाँ 2 × 1 है ना, तो ये हो जाएगा 13 × 3 = 39/2, 39/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 39 को डिवाइड करेंगे हम किससे करेंगे बच्चों 2 से, तो 2 × 1 = 2, 1 बचा ऊपर से 9 और 2 × 9 = 18 है ना, तो जो मैंने आपको बताया है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, तो जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिख दीजिए और जिससे भाग दिया वो संख्या इधर साइड में लिख दीजिए, तो आंसर क्या आ गया 19.5, तो आपका जो आंसर है वो 19.5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 19.1/2 यानी 1/2। तो नेक्स्ट देखिए इसको, इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्या दिया है देखिए एफ वाला है, तो पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर में, तो 5 × 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 2 ऐड हो जाएगा, और नीचे 5 और इधर 8, इसको सॉल्व किए तो 5 × 3 = 15 और 2 × 17/5 × 8/1, देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट, तो 17 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 + 8 = कितना हो जाएगा 136 है ना, मल्टीप्लाई करना टेबल याद होना चाहिए 20 तक, नहीं तो मल्टीप्लाई साइड में कर लेना आप, और ये 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ऊपर का न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर्स का होता है, अब 136 को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 136 को 5 से दिया था तो 5 × 2 = 10 बचा 3 ऊपर से 6 आ गया आपका, तो कितनी बार जाएगा 5 × 7 = 35 नीचे कितना बचा 1 और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते तो क्या हो जाएगा ये जो रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा जिससे भाग दिया वो नीचे आ जाएगा, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ गई यहाँ से ये फ्रैक्शन बन गई आपकी 27 1/5 है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका यानी आपने पहले तो इसको सिंपलीफाई करा फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने किस में चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में है ना, सारे ही क्वेश्चन में यही प्रोसेस था, यानी जो भी सवाल दिया है आप उसको सिंपलीफाई करें यानी मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे का कर दीजिए, और जो आंसर आ रहा है तो इसको फिर से क्या आप में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, और यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है बच्चों। ओके थैंक यू।